मगर प्रिया माँ नहीं बन पा रही थी। अगर आप किसी ऐसी औरत को ढूंढ लो जो हमारे बच्चे को जन्म दे सके। मैं तुम्हारी फ्रेंड की मदद कर सकता हूँ अगर वह मेरी मदद करे तो। मतलब अगर वो आपके बच्चे की माँ बने तो? हाँ, और छाया को देखकर राज दंग रह जाता है। अरे यह तो आखिर कौन थी छाया? और छाया आंखों पर पट्टी बांधकर कमरे में राज के आने का इंतजार करती है। एक शहर में राज और प्रिया नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वह लोग बहुत अमीर थे, उनको किसी बात की या किसी चीज की कमी नहीं थी। उन लोगों के पास बहुत पैसा था मगर उनकी कोई अपनी औलाद ना थी। राज और प्रिया की शादी को 5 साल हो चुके थे मगर प्रिया माँ नहीं बन पा रही थी। उन्होंने बहुत इलाज करवाया मगर डॉक्टर के मुताबिक प्रिया कभी माँ नहीं बन सकती थी। पिताजी, पिताजी। हाँ। कहाँ खो गए पिताजी? लीजिए चाय पी लीजिए। अरे बहू, मैंने अभी बहुत अच्छा सपना देखा कि मेरा पोता मेरे साथ खेल रहा है, हमारा अपना खून। वह मेरी मूंछों को पकड़कर खींच रहा था, तभी तूने मुझे नींद से जगा दिया। बेटा, मेरे मरने से पहले मुझे मेरे पोते का मुंह दिखा दो, नहीं तो मेरी आत्मा तड़पती रह जाएगी। और प्रिया यह सुनकर बहुत निराश हो जाती है कि चाहकर भी वह कुछ नहीं कर सकती। और प्रिया अपने कमरे में आकर रोने लगती है। तभी राज वहां आकर प्रिया से पूछता है, क्या हुआ प्रिया, तुम क्यों रो रही हो? राज, पिताजी ने अभी एक सपना देखा। वो बता रहे थे कि उन्होंने अपने पोते को देखा, वह उनके साथ खेल रहा था। अरे पिताजी को कौन समझाए कि मैं अभागन कभी माँ नहीं बन सकती। तो प्रिया, इसमें रोने की क्या बात है? हम एक काम करते हैं, एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी अनाथ को भी सहारा मिल जाएगा और हमें एक बच्चा भी मिल जाएगा और पिताजी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नहीं राज, पिताजी को उनका अपना खून अपने वंश में से ही बच्चा चाहिए। हम उनके साथ कैसे धोखा कर सकते हैं? अपना खून तो अपना होता है ना राज? मगर प्रिया, यह कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर आप किसी ऐसी औरत को ढूंढ लो जो हमारे बच्चे को जन्म दे सके। मगर तुम जानती हो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे सिवाय किसी और औरत के बारे में कैसे सोच सकता हूँ प्रिया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है प्रिया। जानती हूँ यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है राज, मगर हमारे लिए ना सही पर पिताजी के लिए तो मान जाओ। पिताजी चाहते हैं कि मरने से पहले एक बार अपने पोते पोती का मुंह देख ले। ठीक है प्रिया, मगर जैसा तुम कह रही हो ऐसा करने के लिए क्या कोई औरत तैयार होगी? क्यों नहीं राज, हम हमारे बच्चे को जन्म देने वाली माँ को मुंह मांगा पैसा देंगे। जिसको पैसे की जरूरत होगी वह जरूर ऐसा करेगी। मगर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? मिलेगी राज, कोई ना कोई तो जरूर होगी जो हमारे दुख को समझेगी और हमारी मदद करेगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, मैं अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम अपना ख्याल रखना, बाय। साहब कुछ पैसे दे दो, रात से कुछ नहीं खाया है। शायद यह तेरी मदद कर सकती है राज, इसे तो बस पैसा चाहिए। नहीं नहीं, इसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। और राज उस भिखारन को पैसा दे देता है और वह वहाँ से चली जाती है और राज भी अपने ऑफिस चला जाता है। फिर शाम को प्रिया और राज एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ एक वेटर खाना लेकर आती है और उसके हाथों से खाना गिर जाता है। इस पर उसका मैनेजर उसे बहुत डांटता है, क्या तुम ठीक से काम नहीं कर सकती? सर गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। नहीं नहीं, गलती तुझसे नहीं मुझसे हुई है कि मैंने तुझे यहाँ पर नौकरी दी,
अगर तुझे कुछ दिन और यहाँ रखा तो तू ऐसे ही नुकसान करती रहेगी। चल जा यहाँ से, मैं तुझको यहाँ नहीं रख सकता। नहीं सर, प्लीज मुझे मत निकालिए। मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ, चल जा यहाँ से। राज, वो देखो, उस लड़की को पैसों की सख्त जरूरत है, शायद वो हमारा काम कर दे। चलो हम उससे बात करते हैं। और राज और प्रिया रेस्टोरेंट के बाहर उस लड़की से जाकर बात करते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। सोच लो, हम तुम्हें मुंह मांगा पैसा देंगे कि तुम सदा जिंदगी बैठकर खा सको, और हम तुम्हारी माँ का इलाज भी करवा देंगे। सर, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, मगर आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे यह काम नहीं करा सकते। मैं चाहे गरीब हूँ और आज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो भी मैं किसी कीमत पर यह काम नहीं कर सकती। मेरा तन, मन और मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरे होने वाले पति का ही है। और फिर वह लड़की वहाँ से चली जाती है और राज और प्रिया भी अपने घर आ जाते हैं, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार राज अपने ऑफिस में बैठा होता है। सर, मैंने प्रेजेंटेशन की फाइल बना दी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। सर, सर। हाँ सुजाता, तुम कुछ कह रही थी क्या? हाँ सर, क्या बात है, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। कुछ नहीं सुजाता, बस ऐसे ही। सर, आप मुझसे मत छुपाइए, मैं पिछले 10 सालों से आपके साथ काम कर रही हूँ, आप बेफिकर होकर मुझे बता सकते हैं। और राज अपनी सारी परेशानी सुजाता को बताता है कि अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है बच्चा पाने का। सर, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। सुजाता यह बात कह ही रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड छाया का फोन आता है। सुजाता, बहुत जरूरी इमरजेंसी आ पड़ी है, पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है और डॉक्टर ने फौरन सर्जरी करने को कहा है। सर्जरी में 50 लाख रुपए लगेंगे, तू प्लीज कहीं से भी और कैसे भी करके 50 लाख का बंदोबस्त कर दे। यार छाया, इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, प्लीज सुजाता मुझे कैसे भी करके कहीं से भी 50 लाख रुपए दिलवा दे। ठीक है छाया, मैं कुछ करती हूँ और थोड़ी देर में मैं तुझे बताती हूँ। क्या हुआ सुजाता, तुम इतनी परेशान क्यों हो, किसका फोन था? सर, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके पिता की इमरजेंसी में हार्ट सर्जरी होनी है, उसे 50 लाख की जरूरत है, वही सोच रही हूँ कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। मैं तुम्हारी फ्रेंड की मदद कर सकता हूँ अगर वह मेरी मदद करे तो। मतलब अगर वो आपके बच्चे की माँ बने तो? हाँ। ठीक है सर, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ सुजाता, पैसों का बंदोबस्त हुआ? हाँ छाया, पैसों का बंदोबस्त तो हो गया, मगर 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 क्या, तुझे उनको बच्चा पैदा करके देना होगा। क्या? हाँ छाया, तू सोच ले, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। मगर सुजाता सुन। सुजाता यह कहकर फोन काट देती है और उधर छाया सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अपने पिता को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। मुझे जल्द ही पैसों का बंदोबस्त करके अपने पिता की सर्जरी करवानी होगी, नहीं तो पापा को कुछ भी हो सकता है। मेरे पापा के सिवाय मेरा कौन है इस दुनिया में? छाया, सोच मत और हाँ कर दे। और वैसे भी तुझे इतनी बड़ी रकम मुफ्त में कौन देगा? और छाया सुजाता को फोन करके हाँ बोल देती है। मुबारक हो सर, आपका काम हो गया, छाया ने हाँ कह दी है। और यह सुनकर राज बहुत खुश हो जाता है और वह यह बात प्रिया को भी फोन करके बता देता है। और राज के ऑफिस का एक आदमी 50 लाख रुपए लेकर छाया तक पहुँचा देता है। फिर सुजाता छाया को फोन करती है। छाया, पैसे मिल गए ना? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन, कल शाम को 6 बजे तुझे ओबेरॉय होटल में आना होगा और फिर वहीं पर
तुम और राज सर मिलकर आगे, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और वहीं तुम्हें रिसेप्शन पर सारे एग्रीमेंट जो तुम्हारे और राज सर के बीच में हुए हैं साइन करना होगा। और यह सब बातें बताकर सुजाता फोन रख देती है। सर आपका काम हो गया, मैं छाया की फोटो आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देती हूँ और वह आपको कल शाम 6 बजे मिल जाएगी। और सुजाता वहाँ से चली जाती है और राज के व्हाट्सएप पर छाया का फोटो आता है और छाया को देखकर राज दंग रह जाता है। अरे यह तो आखिर कौन थी छाया जिसकी फोटो देखकर राज दंग रह गया? क्या छाया राज के बच्चे की माँ बन पाएगी या समय आने पर वह इंकार कर देगी? राज और छाया एक हो पाएंगे? अगले दिन राज ओबरॉय होटल के लिए निकल जाता है जहाँ छाया शर्त के मुताबिक राज का इंतजार कर रही होती है। राज अपनी सेक्रेटरी सुजाता को कॉल करता है। सुजाता छाया को बोलो वह रूम पर मुझे आंखों पर पट्टी बांधे हुए मिले, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखे। ठीक है सर, मैं अभी उसे बोल देती हूँ। और सुजाता छाया को कॉल करती है। छाया क्या तुम होटल पर पहुँच गई? अच्छा ध्यान से सुनो, तुमको अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। सर चाहते हैं तुम उनको ना देखो। मगर क्यों? वो सब मैं नहीं जानती छाया, मगर तुमको ऐसा ही करना होगा। और ऐसा बोलकर सुजाता फोन रख देती है। मगर सुजाता सुन तो, हेलो हेलो। और छाया आंखों पर पट्टी बांधकर कमरे में राज के आने का इंतजार करती है और तभी राज कमरे में दाखिल होता है। राज के कदमों की आवाज सुनकर छाया का दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या तुम ही छाया हो? जी जी आप? राज फिर राज और छाया बिस्तर पर चले जाते हैं अपने उस काम को अंजाम देने के लिए जिसके लिए वह मिले हैं। राज और छाया बिस्तर पर होते हैं तभी छाया की आंखों पर से पट्टी हट जाती है और वह राज को देख लेती है। राज तुम? तुम अपना ध्यान रखना। मगर राज तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। छाया तुम जानती हो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है और मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता, मुझे माफ कर दो और प्लीज मुझे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं राज, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। राज चलो हम कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। नहीं छाया, मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर यह शादी नहीं कर सकता। और राज यह बोलकर वहाँ से चला जाता है और छाया वहाँ अकेली खड़ी रह जाती है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करोगे। अरे मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे इस काम के लिए हाँ बोलना पड़ा, मगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है तो अब मुझे समझ में आया तुमने मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कहा था, ताकि मैं तुम्हारी इस गंदी घिनौनी चाल को ना समझ पाऊं। तो तुमने मुझसे इसलिए शादी नहीं की क्योंकि तुम मेरे जिस्म को चाहते थे, मुझे नहीं। तो आ जाओ और कर लो अपने अरमान पूरे। बस करो छाया। और राज उसे सारी बात बताता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है मगर उसकी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती और उसकी पत्नी के कहने पर ही वह एक ऐसी औरत को ढूंढ रहा है जो उनके बच्चे को जन्म दे सके। जब तुमने सुजाता के पास फोन किया तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें 50 लाख रुपयों की जरूरत है, तो मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया मगर मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं यहाँ आने से पहले तुम्हारे फोटो को देखकर जान गया था कि यह तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर आने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे देखो और तुम्हारे पुराने जख्म ताजा हो। और मैं मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर देना। और इतना कहकर राज वहाँ से चला जाता है।
उसी शाम राज जब ऑफिस में होता है तो उसे छाया का कॉल आता है। राज, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और छाया राज को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है और राज छाया से मिलने के लिए चला जाता है। राज, मुझे माफ कर दो, मैंने आज तुम्हें बहुत बुरा भला बोला। कोई बात नहीं छाया, मगर एक बात बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मुझ में किसी और से शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत टूट गई थी। ओ छाया, मुझे माफ कर दो, काश मैं तुम्हारी जिंदगी में आया ही ना होता और ना तुम्हारी जिंदगी खराब होती। शायद मैंने तुम्हें यूं अकेला छोड़ा, इसी कारण आज मैं बे औलाद हूँ। नहीं राज, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा, मैं तो कब का तुम्हें माफ कर चुकी। तुम्हारा परिवार आबाद रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। राज, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? हाँ छाया, बोलो। राज, जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी, मुझे थोड़े समय की मोहलत दे दो। क्या इतना मुझ पर एहसान कर सकते हो? अगर नहीं तो फिर मैं आपके बच्चे को भी जन्म देने को तैयार हूँ। नहीं छाया, तुमको पैसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं अब तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। तुम मेरी तरफ से हर बात से आजाद हो। थैंक यू राज, पर मैं इतनी बड़ी रकम नहीं रख सकती, मैं जल्द ही लौटा दूंगी। छाया, अगर तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहती हो तो कर सकती हो, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू राज, मेरी इतनी मदद करने के लिए। तो तुम कल से आ रही हो ना? ठीक है राज, मैं कल से आ जाऊंगी। और राज छाया को अपने ऑफिस में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर रख लेता है। 6 महीने बाद छाया इस बार हमारी कंपनी नंबर 1 आई है और राज ऑफिस के सब मेंबर्स को पार्टी देता है और सब लोग ड्रिंक करते हैं और राज छाया को भी ड्रिंक करने को बोलता है। अरे कुछ नहीं होता छाया, पी लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और बस राज और छाया ऑफिस में अकेले रह जाते हैं। चलो छाया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और राज और छाया ऑफिस से घर के लिए निकल जाते हैं, मगर रास्ते में ही छाया नशे में बेहोश हो जाती है। छाया, छाया, अरे तुम्हारा घर कहाँ है? और छाया नशे में बेहोश हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। राज को छाया का घर कहाँ है मालूम नहीं था, तो वह उसे एक होटल में ले जाकर छोड़ देता है। मगर राज को भी बहुत नशा हो जाता है और वो भी उसी बेड पर बेहोश होकर गिर जाता है जिस पर छाया सोई हुई थी। और छाया और राज नशे की हालत में अपने होश हवास खो बैठते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। सुबह आंखें खुलने पर दोनों खुद को निर्वस्त्र पाते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने गलती कर दी है। इस पर छाया राज को बोलती है, राज, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? पहले मुझे पार्टी के बहाने ड्रिंक कराई और जब मैं पीकर बेहोश हो गई तो मुझे यहाँ होटल में ले आए और फिर मेरे साथ और यह बोलकर छाया रोने लगती है। छाया, प्लीज रो मत, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इतना नशा हो जाएगा और तुम बेहोश हो जाओगी। जब तुम बेहोश हो गई तो मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं मालूम था, तो मैं तुम्हें होटल में छोड़ने के लिए आ गया, मगर मैं नशे में बेहोश होकर इसी बेड पर गिर गया और उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि हमारे बीच यह सब कब और कैसे हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मगर राज, अगर कुछ हो गया तो?
अरे क्या होगा बच्चा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुमको तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। तुम घर जाकर फ्रेश होकर एक घंटे में ऑफिस पहुँच जाना, हमें नए प्रोजेक्ट पर काम करना है। और राज छाया को उसके घर ड्रॉप कर देता है और उसके बाद राज भी अपने घर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। राज, आप कहाँ थे? रात भर आपका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था, मैं कितनी परेशान हो रही थी। आखिर कहाँ थे आप? ओ सॉरी प्रिया, मुझे ऑफिस के काम से फौरन आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा था और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था और मैं मीटिंग में इतना बिजी था कि मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं राज, मगर कम से कम फोन करके बता तो दिया करो या एक मैसेज डाल दिया करो, मुझे आपकी फिक्र होती है राज। ठीक है प्रिया, अगली बार से ध्यान रखूंगा। और एक घंटे बाद राज रेडी होकर ऑफिस पहुंच जाता है। रोज की तरह राज और छाया ऑफिस में काम करने लगते हैं। 3 महीने बाद यह कौन से प्रोजेक्ट की फाइल है छाया? यह मेरी रिपोर्ट है। आई एम प्रेग्नेंट राज। और यह सुनकर राज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी प्रिया वहां आ जाती है। हेलो राज। अरे राज, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? तुम तो ऐसा मुंह बना रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली। अरे नहीं प्रिया, आओ आओ, कैसे आना हुआ? आपको तो मेरी याद आती नहीं, सोचा मैं ही आकर आपको सरप्राइज दे दूं। क्यों, आपको सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस काम कर रहा था। क्या 24 घंटे काम काम करते रहते हो? चलो मॉल चलते हैं, कितने दिन हो गए हैं आप मुझे कहीं घुमाने और शॉपिंग कराने नहीं लेकर जाते हो। चलो इसी बहाने हम एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर लेंगे। अरे तुम क्यों रो रही हो राज, तुमने उसको डांटा है क्या? नहीं प्रिया, इसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, ये मुझे छुट्टी लेने के लिए बोलने आई है। तो इसको फौरन जाने दो राज, तुम जाओ, ईश्वर तुम्हारे पिता को जल्द ही ठीक कर दे। मैं ईश्वर से तुम्हारे पिता के लिए प्रार्थना करूंगी। तुम रो मत बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, यह आपकी हेल्प कर देंगे। और यह लो कुछ पैसे रख लो, पिता के इलाज में काम आएंगे। अब तुम जल्दी से चली जाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छाया अपने घर चली जाती है और प्रिया राज को शॉपिंग मॉल लेकर चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। राज, तुम फिर से क्यों आए मेरी जिंदगी में? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। छाया, शायद भगवान भी यही चाहता है कि तुम राज और प्रिया के बच्चे की माँ बनो। राज की पत्नी प्रिया को देखो, कितनी भली औरत है, और उसने तुम्हारे पिता के बीमार होने की खबर सुनके तुम्हारी कितनी मदद की। तुमको भी राज और प्रिया की मदद करनी चाहिए। छाया, आखिर तय तो यही हुआ था ना एग्रीमेंट में, वो तो राज अच्छा इंसान है, इसलिए तुम्हारे साथ उसने कोई जबरदस्ती नहीं की। आखिर तुम्हारे और राज के बीच में जो भी हुआ उसमें तुम भी तो उतनी ही गुनहगार हो। नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। आपको क्या लगता है, क्या छाया को अपना बच्चा राज और प्रिया को देना चाहिए? अब छाया क्या करेगी, वह अपना बच्चा राज और प्रिया को देगी या वह इंकार कर देगी? अगर आप इस कहानी का Part 2 देखना चाहते हैं तो #Part2 लिखें और बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।